और सभी लोग अपना वीडियो वीडियो जरा ऑन कर लीजिए, शक्ल देखिए जरा। अरे प्रियंका खाके बैठी है ना बेटा। हाँ सर, हाँ अभी लैपटॉप चलेगा, 12-1 बजे तक चलेगा, रात को खाके बैठा आराम से। चलो कहाँ थे हम लोग भाई? विच चैप्टर? 1D ना? हाँ हाँ बंडी सर। के सर। ये काम किए थे क्या? दिस वाज द थिंग दैट वी हैव डन, इक्वेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये था क्या लास्ट हमारा? नहीं सर, कौन सा विंडो है हमारा? किस चॉपिंग पे काम सिस्टम। कर रहे? हाँ 1 मिनट, हम लोग कौन से विंडो पे काम कर रहे हैं? इस पे सर कर रहे हैं क्या? काइनामेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया था। हाँ ये अपन ने MCQs किए थे ये ना, हमारे ही है। हाँ ये आप लोग यस का है ना? हाँ नॉन यूनिफॉर्म वाला बराबर है ना? सर। हाँ होशियार होशियार, अति होशियार। 17 वाज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन है ना, उसके बाद 6-7 ये सब नॉन यूनिफॉर्म पे करवाया था क्या? हाँ होशियार। मॉड्यूल लेके बैठा हूँ क्या मैं तुम लोग का? एक मिनट चेक कर लो। नो पीपल, मॉड्यूल निकाल लो तुम लोग भी, मैं भी 10 सेकंड में लेके आया। बाय द वे, हाउ वाज 2D का पेपर? सर अच्छा नहीं गया क्यों रे ऐसा मत कर, क्वेश्चन बहुत इजी डाला तुमने। सर। यूनिट वेक्टर जो हमको सिखाया था ना, मतलब जो वेक्टर्स था उसका उससे सॉल्व भी नहीं हो कुछ भी उसका वेक्टर्स में से। अरे मैं तो सिंपल बोला था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको इक्वल टू 1 करने का है। हाँ सर, मतलब यूनिट वेक्टर ही नहीं, सारा वेक्टर सर, वो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो हमको आया था ना, वो नहीं था उसके अंदर, उससे सॉल्व नहीं हो सकता था। वो फॉर्मूला है ना, परपेंडिकुलर के लिए जीरो, ये सब नहीं था हमारे पास। तुम लोग को वेक्टर्स ने करवाया था क्या? करवाया था बट सर हमें इतना बेसिक ऐसे कराया था, फॉर्मूलाज नहीं दिए मतलब थे। हाँ एडिशन, सबस्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस एडिशन सबस्ट्रैक्शन और एरिया सबट्रैक्शन ये सब ही एरिया था। निकालने का। डिटेल्ड नहीं करवाया था क्या, मतलब नीट और नहीं जेई सर, पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं सर, हाँ नहीं सर, ऐसा एक नहीं ही था। लेक्चर में खत्म किया था। अरे अरे इतना होशियार, वाह वाह वाह। नितिन क्या पूछ रहा है बेटा? एक क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया गया था और डिस्टेंस पूछा था, तो कैसा करने का? कौन सा क्वेश्चन बेटा, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा क्या पूछा है? नीट सी का क्वेश्चन बेटा। कौन सर आप ग्रुप में हो, सा ग्रुप? मतलब हम लोग के बैच के ग्रुप में। एक काम कर, तो पूजा को सेंड कर दे, पूजा मेरे को मैसेज कर दिया। हाँ सर ठीक है हाँ चलो, कहानी को आगे लेके जाते हैं। अभी मॉड्यूल वॉड्यूल भी सब निकाल लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म में अपने 17 क्वेश्चन हो गए थे बराबर ना? यस। हाँ सर, यस सर। एक मिनट, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर 12 क्वेश्चन एक्सेलरेटेड। हुए हैं, 12 क्वेश्चन। नहीं रे बाबा, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ 17, 12, 14, सर हो 17, 17। गया है, 16, 17 तक हो गया था, मतलब 16 तक हो गया था, एग्जैक्ट 17 नहीं हुआ सर, 17 तक कवर कर लिया मतलब। सर इसमें 16 वाला मेरे को नहीं समझा कैसे करने का। हाँ मेरे को भी नहीं आता, काई को टेंशन लेता है, अपन साथ में काम कर रहे हैं। 16 वाला बहुत मारूंगा, बताया था मैंने 16 वाला के अंदर फॉर्मूला दिया हूँ ना मैंने 16 वाले के लिए, ऐसा मत करवाई मेरे। हाँ पूरा फॉर्मूला ठीक दिया था एक्चुअली। यस मजे ले रहा है तू गरीब के, इधर देख ये रहा, वी मैक्स का वैल्यू ए इंट अल्फा इंटू बीटा इंटू टी सब लिख के दिया हो भाई। 16 वाला मेरे को नहीं समझा था, क्लास में सॉल्व करवाया हूँ।
जहां तक मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो आपको सब करवा दिया, 17 का भी हिंट दे दिया, 17 भी सवाल करवा दिया मैंने। हाँ 17 भी हो गया था। होशियार होशियार आपकी होशियार। इसके बाद मैंने वो नहीं करवाया ना आप लोग को, क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशन फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हमने बात नहीं की है ना बेटा, राइट सर? नो सर। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है चलिए। तो अभी आगे गाड़ी को लेके जाते हैं, जेई मेंस में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फोर फाइव सिक्स, ये सब जेई की बातें हो रही है। मिनट पे आइए। ट्वेंटी थ्री के बाद कौन सा बोला आपने? मिनट पे आइए, मिनट पे। सेवेंथ एट नाइन्थ एटीन न्यूमेरिकल बेस का सेकंड एंड फर्स्ट। सर रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं मेरे को मालूम ही नहीं मैं क्या दिया हूँ, बोलते क्या तुम्हें पता चला। न्यूमेरिकल के अंदर फर्स्ट सेकंड फोर्थ। चलो काम हमने तीन पे दिए है, पहला है आपका जेई मेंस है ना, बाद में हमने नीट पे दिया काम, बाद में हमने न्यूमेरिकल बेस्ड पे दिए है, बराबर ना? सो न्यूमेरिकल बेस्ड का तो 1 2 4 है, ओके। जेई मेंस से बोलो कौन से दिए? 4 5 6 23 बस उसने दिए नीट में। नीट में अपने 7th 8th 9th और 18। चलो होशियार होशियार, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। चलो तीन का ग्रुप बनाओ, पहला जेई करो बाद में नीट करो, पहला जेई कर लो उसके बाद डाउट सॉल्विंग, फिर नीट करो फिर डाउट सॉल्विंग, फिर न्यूमेरिकल बेस करो फिर डाउट सॉल्विंग, तीन सेक्शन जल्दी फटा। पोस्ट में द आंसर इन द चैट बॉक्स। जल्दी करो
दृष्टि तो आइए बेटा, सुहाना सफर, जेई में फर्स्ट क्वेश्चन भी है। जल्दी करो ज्योतिका, बैच टू वाले जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा है उसको पहले ग्रुप पे से रिमूव कर रहा हूँ। अनुराग वीडियो ऑन कर बेटा इज्जत से एकदम। सिंचना, सना, समीर वीडियो ऑन करो। मुस्कान, मनु, महेंद्र, महेंद्र करो ऑन। माही, कृपाली, खुशबू, जय, इरम, हर्षद मेहता, एडविना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ महेंद्र, दीपाली, भाविका, अद्रिता, अद्रिता सरनेम क्या है तुम्हारा बेटा? मस्त है इतना बड़ा सरनेम, आगे और दो तीन चार दो तीन लाइन डालने का था ना, मस्त है। श्रेया सॉल्व कर रही है श्रेया? हाँ सर। हाँ कर 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 जल्दी करो। भाविका आंसर सबके चाहिए मुझे। निधि को नहीं है रोज निधि? अरे हाँ ये मास अभी ना कभी शक्ल दिखाई नहीं होती। सानिका सॉल्व कर रही है ना बेटा? यस सर। हाँ होशियार होशियार। देवधरनी कौन है भाई? देवधरनी धार्मिक नाम। एडविना अभी ऑनलाइन में हंसती नहीं है ना? हेलो हंसी। ऑनलाइन मजा नहीं आता ना एडविना हंसने के लिए बेटा? हाँ सर। दृष्टि लास्ट टाइम नहीं आया तो शायद आप सर मैं आई थी। अच्छा ठीक है। सेलेस्ट सॉल्विंग? यस सर। ऑलराइट पोस्ट में द आंसर्स एवरीवन, जल्दी करो। ओनली फॉर जेई 5 क्वेश्चंस।
चलिए सॉल्व करें, हो गया? नो सर, जल्दी करो यार। जेई मेंस के 5 क्वेश्चन करने हैं यार बेटा। बस सर लास्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स सॉल्व इट नाउ। आर यू ऑल देयर सर? 23 को छोड़ के पीछे आंसर किसी एक भी आंसर का मैच नहीं किया। अरे होशियार अति होशियार क्यों रे सर? पता नहीं, मैंने तो सब एग्जैक्ट, मेरे को तो फॉर्मूला टू फॉर्मूला था, फिर भी मैच नहीं कर रहा। सर मेरा सुबह आया। हां सर मैं भी आया। डॉक्टर अक्षय सर आप देखो पीछे के आंसर सब करेक्ट है, पहले वाले का 80 बराबर है। सर वो गलती से 2D का आंसर की देख रहा होगा। भाई अपन 1D कर रहे हैं भाई। डॉक्टर अक्षय ऐसा डॉक्टर बनने के लिए तो कभी से ले रहा है, जिसको बुखार आ रहा है तो उसको सर्दी इंतजार हो जाएगा, जिसको सर्दी हो रही है उसको पैर दुखने की दवा देगा तो कैसे चलेगा बेटा? नहीं बनेगा। हाँ सर मैंने 2D का आंसर की देखा था। कंपाउंडर कंपाउंडर लगा भी आगे चल। सॉरी सर। चलिए बोलो कौन सॉल्व करूं बेटा? व्हिच इज द डाउट एनीवन फेस ऑन अप फील फ्री टू आस्क मी। सुहाना सफर कर रहे बेटा सॉल्व? होशियार आंसर डाला है ना सर? अभी मैं और आगे। हाँ हाँ देख देखा बेटा देखा, इसीलिए पूछा। सर 23 का मेरा 5√3 आ रहा है जबकि ऑप्शन में नहीं है। चलो ठीक है 23rd देखते जरा, थोड़ा तकलीफ हो रहा है सर। उसमें 2V sin theta वाला फार्मूला है। हाँ ये यस 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 ये 2D का फंडा है। 23rd के अंदर ये 2D का फंदा है। डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा 2V sin theta by 2। ये मैंने 2D में करवाया था याद करो। Yes. है ना?
तो अपने को v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी अपने को 10 दिया है और एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 60 बाई 2 दैट विल बी 30 है ना, सो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना हाफ, सो दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने का, ये अपन ने 2D में डिराइव किए थे। सर क्वेश्चन दिखा दो। क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दो। क्या क्वेश्चन? वो ऊपर आपने लिखा था ना नीट का, जो हाँ ले रहा। क्या बात है, टोटल 64 है, उसमें 63 प्रेजेंट है। सब लेक्चर में इतने बच्चे होते हैं क्या? हाँ, अरे आयुष से यार, क्या ऑनलाइन भी मास्क पहन के बैठी है कसम से। नहीं फैलता बेटा, ऑनलाइन में नहीं फैलता, स्क्रीन पे आएगा। सर क्लासेस में होती है। अच्छा क्लास में है क्या बेटा? ठीक है सब। अरे डॉक्टर अक्षय, सब लेक्चर में इतने बच्चे होते हैं क्या? 64 है जहाँ तक मुझे काउंट पता है। सुबह सुबह कम रहते हैं। हाँ सुबह सुबह 40-50 इधर ही घूमते रहते हैं ना। हाँ फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है। शाम को इतने होते हैं क्या? Exactly, total present होता है क्या सब present? 64 के 64? हाँ सर 59-61 ऐसे ही रहता है शाम तक। चलो शेयर। फिफ्थ समय डाउट है साक्षी, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को आता है ना सर, इधर देख। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, पांचवा मॉड्यूल ओपन कर लेते। हाँ मस्त एकदम है। A particle starts from rest, its acceleration, मतलब ये क्वेश्चन आपको ग्राफ के ऊपर है, ये आपको आता भी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर सर एरिया अंडर ग्राफ ना। यस एरिया अंडर द कर्व करना है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, दे हैव बीन गिवन अ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एंड इनिशियली आपका एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड देन योर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू जीरो एट योर 11 सेकेंड्स। तो आपकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, बराबर ना? तो कभी भी याद रखना, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, मुझे बताया एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो इफ इट इज एन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, सो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। क्या होगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, सो एज यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल, बराबर ना? तो अगर ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है आपका? 11 है, और हाइट कितना है आपका? 10 है, 2 1s are 2 5s are, सो दैट विल बी 55 मीटर पर सेकेंड विल बी योर मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर साक्षी? Yes, sir. Thank you. Okay, beta. बेटा कौन सा करूं? फर्स्ट
फर्स्ट पूजा पूछ रही मेरे से? हाँ सर। नहीं पूछ बेटा, नहीं पूछ। सर मैंने किया बट चलो ठीक है। कॉपी हो गया ये बच्चा लोग? साक्षी कॉपी बेटा? यस सर डन। ओके फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Let's talk about the very first question. पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। An automobile traveling with a speed of 60 km per second. तो U1 का वैल्यू आपको दिया है 60 km per hour. Can brake to stop within a distance of 50 meter. I guess stopping distance के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। Stopping distance 20 meter दिया है। If the car is going twice, अगर U2 का वैल्यू अगर 120 km per hour हो गया तो आपको पूछा है तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, यू स्क्वायर अपॉन टू ए, है ना, यही फॉर्मूला है। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, सो एस वन अपॉन एस टू दैट विल बी इक्वल्स टू यू वन स्क्वायर अपॉन यू टू स्क्वायर। सो एस वन का वैल्यू 20 है, एस टू नहीं पता है, यू वन का वैल्यू 60 है, यू टू इज 120 द होल स्क्वायर, 61 जा 62 जा। So 20 upon S2 will be equals to 1 by 2 ka square is 1 by 4. So 4 into 20, that will be 80 meters will be your S2. Kya tha isme Pooja? Proper U1 U2 wala iske liye. Ab ओके जे में और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है पूछो प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन इन जे? डन विद जे? यस यस सर। चलो नीट के चार क्वेश्चन, मेक इट फास्ट सर। हेलो, आपने जो फर्स्ट वाला दिखाया वो आपने उसे 1:4 क्यों डाला? बिकॉज़ बेटा 1:2 का स्क्वायर है ना बेटा, ऊपर चेक करना। अरे नहीं समझा क्या? नहीं समझा सर। अरे बंद दिमाग, U1 upon U2 का स्क्वायर है ना, U1 का वैल्यू 60 है, U2 का वैल्यू 120 है। अरे सर लेकिन डिस्टेंस तो मीटर में दिया है और वेलोसिटी तो किलोमीटर में दिया है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद। अरे मेरा बच्चा ऊपर भी किलोमीटर पर आ रहे, नीचे भी किलोमीटर पर आ रहे, किलोमीटर पर आ, किलोमीटर पर आ विल गेट कैंसिल ना, व्हाट इज द नीड टू कन्वर्ट, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ इट ना। If I take a ratio of something, then the things will get converted. Na? Agar tu convert karega, chal maan le, convert kar le. 60 into 5 by 18 upon 120 into 5 by 18. Kya karu? Bol. Pahli phursat mein 5 by 18, 5 by 18 cancel kar. Sir, aapne kaunsa kinematical equation diya isse solve karne ke liye? अरे ये direct formula दिया था stopping distance का, u square upon 2a. जो थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन से आया था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, भूल गया क्या लास्ट टाइम का कांसेप्ट? सर मैंने तो अपना ये वाले से निकाला, क्या बोलते हैं, s s इज इक्वल्स टू ut से निकाला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके निकाला, तो मेरे को आंसर 40 आया और पीछे भी आंसर 40 दिया है। वो लाफे मारूंगा, 80 आंसर है। सर सर 40 दिया पीछे, तू बराबर चेक कर मेरे भाई, फर्स्ट का डी दिया है, ये भी 2D देख रहा है, वो भी 2D का ही देख रहा है। अरे कैसे पैदा हुए क्या मालूम, कसम से। नीट का जो क्वेश्चन 8 है ना, वो एरलेस में मैं कल कर रहा था, वो नहीं आया मुझे क्वेश्चन 8। कोई बात नहीं बेटा, चलो अभी पहले आप लोग अभी एक काम करो, नीट के जो चार क्वेश्चन दिए पहले वो ट्राई करो फटाफट, उसके फिर आगे बात करेंगे डाउट सॉल्व। सर 18th में गैलीलियो लॉ है क्या, देख लो ना, गैलीलियो लॉ है, गैलीलियो लॉ, यस, कौन सा गैलीलियो लॉ है?
हाँ वो SN वाला यूज करना है इसमें, कौन अरे SN वाला फंडा यूज करना है। SN equals to U plus A by 2 into 2N minus 1. चलो जल्दी नीट के चार क्वेश्चन के जवाब दो फटाफट। मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीट इवनिंग बैच से, पहले ही बता रहा हूँ मैं। इवनिंग बैच वाले आप लोग को जवाब देना है पहले, लेट मी सी हु कैन, जिसके जवाब किसके से ज्यादा आते हैं। मॉर्निंग बैच वालों के आते हैं कि इवनिंग बैच वालों के आते हैं, लेट मी सी दैट। लेट्स गिव अ टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। फास्ट, आई एम कंटिन्यूअसली वेटिंग फॉर योर चैट बॉक्स। चलो डन विथ नीट वाला पार्ट ऑल्सो, लेट मी सी। आयुषी, सुहानी, आयुषी, नितिन, नर्मदा, पूजा, आयुषी, ब्रिसल, अरे माँ ब्रिसल के सारे आंसर ब्रिसल छाप के देगी ब्रिसल पीछे से सर नो ओके। चल आगे बात करते हैं, कोई डाउट है सर? वो कैलकुलस लॉ आपको पढ़ना नहीं है तो सॉल्व करो 18th वाला सर। क्या बोल रहे बेटा, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे? गैलीलियो लॉ वही है जो सर ने SN वाला फॉर्मूला दिया था।
लॉ कहाँ से आ गया? गैलीलियो लॉ से एक्चुअली सर उसका नाम गैलीलियो लॉ है, तुषार सर ने हमको वो पढ़ाया था जिसमें एसएन वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाइन्थ डाउट है आदित्य सर, एक बार सेवेंथ वाला को मेरा आंसर नहीं आ रहा। सर एक बार सेवेंथ वाला बताओगे? सर नाइन्थ वाला मेरा राउंड जा रहा है। बात नहीं, सेवन और नाइन दोनों कर लेते हो, काय को इतना स्ट्रेस ले रहे हो? सर एट वाला भी सब नहीं बताओ, तुम लोग क्या करोगे? नहीं सर, एट वाला आया लेकिन उल्टा आया सर, नाइन इज टू फाइव आ रहा है। तो पैदा ही उल्टा हुआ था रे भाई। सर कोई आंसर नाइन इज टू फाइव है कि फाइव इज टू नाइन है? अभी तू जरा देख ले भाई क्या है, वो क्या लगता है तेरा आंसर पहला चेक करने में रॉन्ग आ रहा है। चलो, the velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second. तो initial velocity आपकी 200 meter per second है, final velocity आपको दिया है 100 meter per second. Okay? While traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter, मतलब आपको distance दिया है. The retardation assuming to be uniform will be, क्या तुम लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हो तेरे? V square equals to U square plus 2as वाला फंडा यूज करो ना. -1 into 2 that is 0.2 So that turns out to be nothing but 10,000 minus 40,000 to 0.2 है, 10 raise to 4 that will be 30,000 है ना, 30 upon 0.2 तो a का value 3, 0.2 can be written as 1/5 to 10 raise to 4, so 15 into 10 raise to 4 will be the answer, meter per second square, 0.2 is 1/5. आंसर डी आएगा सेवेंथ का। ठीक है, चलो डन, थैंक यू सर, कॉपी दैट डाउन। Done, copied. Yes, sir. Yes. चलो आगे बात करें अभी। अभी और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? क्वेश्चन एट में क्या तकलीफ है भाई लोग? आठवां सवाल, लेट्स सी द एट वन। अ बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन। मेरे पास एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड उसका एक्सेलरेशन आपको ए वन दिया हुआ है। आफ्टर टू सेकेंड्स, दो सेकेंड के बाद I can say that another body starts with rest, B wala body, it starts with rest, that is 0 meter per second with an acceleration A2.
इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन द फिफ्थ सेकंड, तो ए वाले का अगर टाइम फिफ्थ सेकंड होगा तो बी वाले का टाइम कितना होगा, थर्ड सेकंड होगा कि नहीं होगा, बिकॉज बी वाला ए वाले के दो सेकंड के बाद शुरू किया ना, तो इसीलिए जब ए वाला पांचवे सेकंड पे पहुंचेगा तो बी वाला तीसरे सेकंड पे पहुंचेगा, ठीक है। देन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेशियो ऑफ ए वन टू ए टू कितना होगा, अरे सिंपल है भाई, यू प्लस ए बाय टू इंटू टू इंटू फाइव माइनस वन, ये ए वन कर दो, यू प्लस ए टू बाई टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन, यू दोनों के लिए जीरो जीरो है, सो ए वन अपॉन टू टू फाइव जार टेन माइनस वन नाइन, ए टू अपॉन टू टू इंटू सिक्स माइनस वन फाइव, टू टू कैंसल, सो ए वन अपॉन ए क्या तकलीफ था इसमें तुम लोग को, वो तीन सेकंड वाला फंडा नहीं आया होगा है ना? नहीं सर मैंने वो किया, वो किया एस और एस एस वो एस फाइव अपन एस टू एस थ्री करके किया तो मेरे को नाइन इस टू फाइव आ रहा था। अरे इस टू क्यों किया भाई, अब तेरे को इक्वल बोला है तो इस टू क्यों किया, चलो अभी न्यूमेरिकल टाइप के तीन क्वेश्चन बाकी है, जल्दी फटाफट कर लो, अच्छे क्वेश्चन है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी सी हु कैन डू दिस थ्री क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, अभी अभी दिमाग लगाओ जिसको लगाने का दिमाग। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, सर न्यूमेरिकल के सेकंड में वापस पहुंच गया ना घर पे।
कौन सा दिया था न्यूमेरिकल में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ भी था क्या? सर सेवे फोर्थ नहीं आया, बाकी दोनों आ गया। सारे पीपल आर गोइंग टू वॉशरूम। हो गया सर, फोर्थ नहीं आया। सर मेरा क्वेश्चन आया आपके इधर व्हाट्सएप पे। हम पूजा भेजी है? हाँ सर। न्यूमेरिकल बेस का कौन सा करो क्वेश्चन, जल्दी बताओ। सर फोर्थ वाला। फोर्थ फोर्थ सर। हाँ सर फोर्थ सेकंड आया, फोर्थ नहीं आ रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रो तो ऐसे रहे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, स्फेरिकल बलून हुज इनिशियल रेडियस वाज 3 मीटर, सो आर इज गिवन एज 3 मीटर, इज एक्सपांडेड सच दैट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, सरफेस इज एक्सपांडेड सच दैट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। So, as you can see, यहाँ पर आपको यूनिट चेक करो, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 72 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डीए बाई डीटी दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑन द सरफेस इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, देन रेडियस बिकम्स हाउ मच, देन रेडियस बिकम्स 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर ना। यहाँ पर आई कैन से दैट एरिया का फॉर्मूला क्या है, आर का वैल्यू 9 दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डीए बाई डीटी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इनटू dr बाई डीटी, सो दैट विल बी डीए बाई डीटी का वैल्यू आपको 72 पाई दिया है, so 4 pi into 2, radius कितना दिया आपको 9, and dr by dt that is displacement upon time that will be your velocity, so pi and pi gets cancelled, 4 into 2 that is 8, 8 nines are 72, so 72 gets cancelled, the velocity will be 1 meter per second, understood? सर ये एरिया ऑफ स्फीयर है क्या, स्फीयर का फॉर्मूला? हाँ बेटा ना, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ना, वॉल्यूम 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब होता है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। ओके सर। कॉपी एक मिनट सर, हो गया बस। हाँ सर।
ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे स्ट्रेस में क्लोज के ऊपर। हाँ सर। चलो ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे उसके ऊपर स्ट्रेस मत लिए, मैंने नितिन को बोला बिकॉज मैंने अभी पूजा का क्वेश्चन देखा, ठीक है नितिन? ओके सर। चलो डन विद दिस, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो गए, आगे बात करें अभी। यस हाँ सर ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं We call it as motion under gravity. इसके बारे में बात कर रहे हैं, that is called as motion under gravity. One minute. Motion under gravity के बारे में बात कर रहे हैं। तो basically हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं free fall के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? We're gonna talk about what? We're gonna talk about free fall के बारे में। First sum doubt है दृष्टि? Okay। चलो पहला first sum कर लेते हैं। रुक जाओ पहला first sum कर लेते हैं numerical वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब मान लो ए से लेके अगर हम लोग बी तक गए, वेर बी इज नथिंग बट ये डिस्टेंस आधा हो गया है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू हो गया। डी बाई टू डिस्टेंस के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। The other half of the distance is covered in 2 equal time intervals. मतलब B से लेके C और C से लेके D दोनों का time interval same है, T by 2, ठीक है? और ये total distance आपका D by 2 है, okay? तो यहाँ पर ये दोनों cases के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इनकी speed दी गई है 4.5 and 7.5. तो ये V2 दिया हुआ है 4.5 meter per second. V3 दिया हुआ है 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो अपने को यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना बोला। अपन को यहाँ पर अगर पता हो तो पहले अपने को एक फंडा, मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, जब आपका डिस्टेंस आधा होता है तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? दैट इज 2v1v2 upon v1 plus v2 होता है, है ना? Yes. और जब आपका टाइम आधा होता है तो आपकी स्पीड कितनी होती है? v1 plus v2 by 2। तो पहले हाफ टाइम वाले पे बात करेंगे। अगर मैं हाफ टाइम वाले पे बात करूं तो मुझे यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या मिलेगी? टाइम आधा आधा है, दैट विल बी v2 plus v3 upon 2 हो जाएगा। 7.5 plus 4.5 दैट विल बी नथिंग बट 12 by 2 दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, बराबर? तो अभी अपने को दो चीज मिली है, पहले A से B for half distance we have the speed that is 3 meter per second and from B to C for another half distance we have V0 that is 6 meter per second. अब इन दोनों का distance आधा आधा हो गया है, बराबर ना? तो distance आधे होने के लिए इनका average speed कितना हो जाएगा? 2 into 3 into 6 upon 3 plus 6 is 9. 3 ones are 3, 3s are 3, 1s are 3, 2s are 36, that is 4 meter per second. हाँ सर समझे बेटा? हाँ सर। मतलब यहाँ पर हाफ डिस्टेंस और हाफ टाइम दोनों का फंडा इस्तेमाल किया गया है, मस्त क्वेश्चन बनाया था। चलो छाप ले बेटा। जल्दी
डन सर। डन चलो अभी कहानी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और कहानी को आगे लेके जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बारे में क्या समझ में आता है? मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग एक और एक नाम देते हैं, अगर आपको पता हो तो, वी कॉल इट एज फ्री फॉल बोलते हैं। याद है कि नहीं है? यस और नो? मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर रहा है, बराबर के नहीं, तो जब वो नीचे गिरता है तो उसको खींचता कौन है? कौन खींचता है उसको? अर्थ खींचता है ना, ग्रेविटी खींचता है कि नहीं खींचता है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फ्री फॉल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस और नो? है ना? Yes, तो यहाँ पर आई कैन से दैट the object falling towards the earth under the influence of gravitational force is called freely falling ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सच अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे बेटा? वी कॉल इट एज फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्री फॉल। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरता है, मान लो ये आपका ग्राउंड सरफेस है। कौन सा सरफेस है बेटा? ये आपका, दिस इज योर विद सरफेस, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। इज दैट क्लियर? और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर हाइट एच से नीचे गिर रहा है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक टावर है, टावर के फिफ्थ फ्लोर पे आप रह रहे हो और आपके हाथ में यहाँ पर एक बॉल है जिसको आप नीचे फेंक रहे हो, बराबर के नहीं? व्हेन यू थ्रो द बॉल, when you throw the ball in the downward direction, अगर नीचे ground की तरफ फेंकते हो तो उसका acceleration क्या हो जाएगा? The acceleration will be nothing but that will be equal to acceleration due to gravity होगा कि नहीं होगा? Sir. Yes, sir. One minute है people, एक minute.
यस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मुझे बताइए क्या इसका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है कि नहीं? Is it constant or is it variable? Tell me. Constant. What about the acceleration? Constant. It is constant acceleration. Yes or no? So can I say that यहाँ पर जो motion कर रहा है object, जो motion under gravity के अंदर जो motion कर रहा है object, that it is moving with a uniform accelerated motion कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes or no? तो यहाँ पर I can say that as the object is falling down, बराबर ना? As the object is falling down with constant acceleration, which is acceleration, constant acceleration, that is equal to acceleration due to gravity. Yes or no? That is equal to what? Equal to acceleration due to what? Acceleration due to gravity. Hence, I can say that. Hence, the motion is said to be uniform accelerated motion. Yes or no? So, yes, uska jo motion hoga, it is said to be and uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion kaha jayega. Kya kaha jayega isko? Uniformly accelerated motion kaha jayega. To jo kinematical equation apun ne pain kinematical equation use kiye the, v is equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as. ये तीन जो काइनेमैटिकल इक्वेशन हम लोग ने यूज किए थे वो किसके लिए यूज किए थे? वी हैव यूज्ड इट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज किए थे. मतलब हमने ये तीन काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज किया था एक ऐसे मोशन के लिए जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. तो ये भी तो ये जो मोशन हो रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी उसका भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या नहीं है? सो वी कैन अप्लाई दैट थ्री इक्वेशन three kinematical equation here also because this motion is also an uniformly accelerated motion. Is that clear? Yes sir. Yes sir. So yahan par hum log bolenge hence we can apply all the kinematical equation here also. Is that clear? So यहाँ पर I can say that we can apply that kinematical equation here also. यहाँ पर भी हम लोग apply कर सकते हैं. अब यहाँ पर motion under gravity पढ़ने के लिए मैं आपको तीन cases consider करूँगा. कितने cases consider करूँगा? Three cases. Let us talk about case one. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? Case one के बारे में बात कर रहा हूँ. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? Let's talk about case one. Case one के अंदर हम लोग क्या consider करेंगे? If the देखो सिंपल सिंपल तीन केसेस है. पहला केस मैं ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं बराबर यस और नो अप टू अ सर्टेन हाइट h. सेकंड केस मैं कुछ हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहा हूं बराबर एंड थर्ड केस में हम लोग पूरी हाइट से नहीं कहीं तो बीच में से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे. तो ये तीनों केसेस के लिए काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या होंगे, टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी नीचे आओगे तो कितनी होगी, वो सब निकालना पड़ेगा फालतू के लिए. ठीक है, इज दैट क्लियर? कुछ नहीं एकदम कचरा है बेटा. इधर देखो प्योर गार्बेज है. इधर देखो इफ द, अरे प्रियंका सर क्यों पकड़ के बैठी है बेटा, भूख लगी है क्या? नहीं सर. हाँ, इफ द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. इज दैट क्लियर? अगर पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर थ्रो करेंगे कहाँ पर? वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं. इज दैट क्लियर? दीपाली समझ में आ रहा है? दीपाली अश्विनी तेरा तो कुछ फोटो वोटो दिख रही है ना, सीलिंग दिख रहा है बेटा? नहीं सर, चार्ज नहीं है ना तो चार्ज पे लगा के बैठी हूँ फोन. अच्छा अच्छा ठीक है. और किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है? ऑन कर रहे वीडियो? नितिन तो ऐसे सर पकड़ के बैठा जैसा ऐसा कुछ पढ़ा रहा हुआ, जय एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा रहा उसको बैठ के. आस्था, अरे आस्था अपना फिर वो बंद हो गया, कुरकुरे वुरकुरे यार मस्त एकदम पॉपरिंग वॉपरिंग खाते थे अपने. तो क्या सर अभी श्रेया कौन लाया था? श्रेया लाई थी और साक्षी ने वो पॉपरिंग लाई थी ना.
हाँ सर। देवांशी वो तुम्हारा एक्टिंग बंद हो गया बेटा, हाँफने वाला घर पे क्या एक्टिंग करेगी बैठ के, क्लास को तो बराबर एक्टिंग करने का काम। गई फोटो भी नहीं दिखा रही है कनक, वीडियो ऑन नहीं है बेटा तुम्हारा। अभी कीर्ति फिर भाग गई। यस ठीक है। हाँ देवांशी घर में वो एक्टिंग नहीं होती रहेगी ना अभी हाफने का, इसके एंड पे नेटवर्क इश्यू लगता। चल आगे बात करते हैं। हाँ जाने दे बेटा मत बोल छोड़, अटक अटक की आवाज आ रही है। हाफनी होगी से क्या बोल रहा है? हाफने आ रहा होगा इसलिए। क्या बोला समझ में नहीं आया अक्षय। चलो बोला हाँ उसका नेट हाफ रहा होगा। हाँ हाँ नेट भी हाफता है बराबर है ही नहीं। यस जेन्युइन प्रॉब्लम। चलिए आगे बात करते हैं। If the particle is thrown vertically upward, is that clear? तो जब हम लोग क्या करेंगे पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे ठीक है। सो यहाँ पर द काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या हो गए, जब आपके कोई पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, मान लो ये आपका ग्राउंड है ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं ऊपर फेंक रहे हैं अप टू अ मैक्सिमम हाइट एच ऊपर फेंक रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए आपको, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, विल इट बी प्लस जी और माइनस जी? माइनस जी। सिंपल लैंग्वेज में माइनस जी हो जाएगा बराबर के नहीं, यस और नो? तो तीन काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या हो गए? तो सर पहला काइनेमैटिकल इक्वेशन का v is equals to u plus at होता है बराबर ना, लेकिन सर a का वैल्यू आपका माइनस जी है, तो पहला इक्वेशन बन जाएगा v is equals to u minus gt है yct है ना, क्लियर? तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अरे नींद आ रही है अक्षय को। यस ऐसा कैसा डॉक्टर बनेगा, अरे कंपाउंडर बनेगा ऐसा करेगा तो। सेकंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर ना। अब मुझे बताइए s क्या होगा, व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी, दैट विल बी अ हाइट, यस और नो? तो s का वैल्यू आपका h हो जाएगा, दैट विल बी ut माइनस a के जगह पे माइनस जी लिख रहा हूँ, तो एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अगेन सेम चीज यहाँ पर भी बात करेंगे, वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी इंटू एच, दैट इज योर थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन। एम आई क्लियर विद दिस? यस बोल मत बेटा फिर भूख लगेगी ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, अगर h आपका वर्टिकल हाइट है ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर ना, लेकिन जब आपका पार्टिकल ऊपर पहुंच जाता है एट अ हाइट h बराबर के नहीं, तो वहां पर क्या होगा, आपका पार्टिकल रुकेगा थोड़े टाइम के लिए है ना, तो व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट द मैक्सिमम हाइट इट विल स्टॉप एट दैट पॉइंट। So when it will be stopping at that point, its final velocity will be equal to what? Zero हो जाएगा बराबर के नहीं, तो यहाँ पर लिख दो at maximum height velocity of the particle will be equal to what? Zero, because वो point पे आपका particle रुक जाएगा। Is that clear? The particle stop moving upward. That means its velocity becomes zero. So I can say that first kinematical equation के अंदर v is equals to u minus gt of yct. तो यहाँ पर v का value zero डाल दो, तो zero u minus gt. तो gt will be equals to u. तो t का value क्या हो जाएगा? u by g आ जाएगा, है ना? मतलब इतना time लगा आपके particle को ऊपर जाने के लिए. Yes or no? Yes sir. हाँ sir. तो वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जाने के लिए चलो प्रोजेक्टाइल मोशन, वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। भी वही टाइम लग रहा है बिकॉज डिस्टेंस सेम है क्या नहीं है, यस और नो? तो यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ व्हाट, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम ऑफ असेंट, एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू यू बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो ऊपर जाके नीचे उतरने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी विल बी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट विल बी यू बाई जी प्लस यू बाई जी, दैट विल बी इक्वल टू टू यू बाई जी बराबर। यस और नो? सर
क्लियर सर, लेकिन नीचे जल्दी आता है ना। हाँ लेकिन बेटा डिस्टेंस अपना सेम है ना बेटा, तो यहाँ पर अगर तू नीचे की बात करेगी तो क्या करूँ मैं, एग्जैक्टली सेम रहेगा ना। अगर तू यहाँ पर जी के जगह पे प्लस जी ले लेगी तो प्लस जी तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना ये इक्वेशन के अंदर। इफ ए इक्वल से नीचे उतरते वक्त चल ए इक्वल टू प्लस जी ले लेगी तो क्या लू, बराबर ना। अरे समझी? हाँ सर। हाँ स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए टाइम हम लोग सेम ले रहे हैं, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केस में सेम होगा, एक में प्लस जी होगा एक में माइनस जी होगा। प्लस और माइनस सिर्फ यही इंडिकेट करता है बेटा कि यहाँ पर प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड माइनस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे हाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हाइट के बारे में। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने यूज किए थे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, है ना। तो एट द एंड वी का वैल्यू तो जीरो हो गया, दैट विल बी यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो गया। तो टू जी एच विल बी इक्वल्स टू वॉट, दैट विल बी यू स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, हाइट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u square upon 2g हो जाएगा। Am I clear with this? Yes? Yes, sir. All right. So height will be nothing but that will be equals to u square upon 2g. ठीक है? So that is your height. अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे regarding next case के बारे में बात करेंगे. That is we gonna talk about case 2 के बारे में बात करना है. तो अगर मैं case 2 के बारे में बात करूँ, so I can say that if पार्टिकल, अब पार्टिकल को यहाँ पर पहला ऊपर फेंके थे, बराबर ना। अभी नाउ द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद सम वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। इज दैट क्लियर? इफ द पार्टिकल इज थ्रोन, इफ द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, पार्टिकल को नीचे फेंक रहे वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी from some height, ठीक है। तो अब फर्क क्या है अगर वो समझते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल अभी ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, बराबर के नहीं, ये ग्राउंड सरफेस है एंड द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट एट अ सर्टेन हाइट h। तो वो नीचे घिरेगा तो उसका एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस g हो जाएगा, बराबर ना। Yes or no? तो यहाँ पर I can say that kinematical equations क्या हो गए, पहला वाला v is equals to u plus at होता है, लेकिन अब a का value minus g नहीं लेंगे, अब a का value क्या लेंगे? Plus g. U plus g, because we are in the favor of gravity or we are in the opposition of the gravity. Favor of the gravity. Yes, we are in the favor of the gravity. Yes or no? तो यहाँ पर a का value plus g ले लो भाई लोग, तो u प्लस, सॉरी बहन लोग भी, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस कितना आ जाएगा, gt आ जाएगा, बराबर ना। इज दैट क्लियर? सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बराबर ना। s का वैल्यू h है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये h हो जाएगा, ठीक है। थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या बोलू, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, so this turns out to be v square will be u square plus 2 into g into h aa jayega. to ye teen kinematical equation exist karte hain iske liye when the particle is thrown vertically downwards with some velocity. am I clear that? yes yes sir. okay last case. abhi bhi hum log yahan par particle ko nicheu fek rahe hain, barabar hai kya nahi? We are throwing the particle in the downward direction, but now from rest we are throwing it. मतलब उसका initial velocity हम लोग क्या consider कर रहे हैं? Zero. ठीक है? So I can say that if a particle is dropped from some height
with u equals to 0 meter per second. Is that clear? So yahan par I can say that first kinematical equation v is equals to u plus at. Is that clear? तो यहाँ पर आई कैन से दैट यू का वैल्यू जीरो है, लेकिन अभी भी वह कहाँ जा रहा है बेटा? नीचे जा रहा है. तो यू का वैल्यू क्या हो जाए? सॉरी, यू का वैल्यू जीरो है कि नहीं है? यस और नो? यू विल बी 0 meter per second, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव जी. यस और नो? इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी हो गया. अरे अश्विनी, चार्जिंग हो गया क्या? हाँ हाँ, होशियार होशियार. चलिए आगे बात करते हैं. अभी ग्रिसिल्ला आज कुछ खा नहीं रही है बेटा. बिस्किट बिस्किट किसी से बात नहीं कर रही है. आज क्या हो गया? घर में डोज मिला है क्या? नो सर. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. चलिए, समीर है क्या? समीर, समीर जय, मनु कौन है? मन्नू बोला. यस सर. शुभम. यस सर. अपने पास दो शुभम है, एक इवनिंग बैच वाला भी शुभम है, वो शायद आया नहीं है मेरे हिसाब से. और विवेक ओबरा भी अपने पास. और कौन है इवनिंग बैच का? इवनिंग बैच वाले तुम लोग एक्टिव नहीं हो ऑनलाइन के अंदर. रुखसार सर, मैं भी हूँ. यस सर. ओके, मैं भी हूँ सर. गुरु पूर्णिमा. यस सर. अच्छा. रिफाक आया था ना शायद बीच में? रिफाक. यस. चल दिया क्या? ओवेश समझ में आ रहा है बेटा? ओवेश. यस सर. फैजान आया है क्या? फैजान. अरे गुरु पूर्णिमा ने वीडियो ऑन की. कहाँ है तुम्हारा चरण बेटा? अभी कैमरा में पैर मत दिखाना. हाँ, बाद में देखेंगे. चलिए अब आगे बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट को फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो. सो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? gt. तो यहां पर आई कैन से दैट v विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट दैट विल बी u इज जीरो प्लस gt. तो v का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? gt आ जाएगा. बराबर. तो सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या है? सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन सेज दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इज योर हाइट, ये 0 प्लस gt है yct. यस. तो h का वैल्यू हो जाएगा हाफ into gt स्क्वायर. तो इससे अपन टाइम निकाल सकते हैं नीचे आने के लिए टाइम कितना लगेगा. तो यहां पर ये हो जाएगा 2h upon g will be equal to t स्क्वायर. तो h का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 2h by g. ये टाइम का फंडा एकदम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है. टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, फ्रॉम ए हाइट h, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ग्राउंड फ्रॉम हाइट h. ठीक है, is that clear? Next, last equation, v square equals to u square plus 2as. So v square equals to 0 square plus 2g into h. So v square ka formula ho jayega 2gh. So velocity ka formula kya ho gaya? Root of 2gh. Again, one of the most important formula, ke jab aapka object upar se jab niche girta hai, तो जब ग्राउंड से कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाले. एग्जैक्टली. तो यहां पर आई कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगा बेटा?
स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, यहां पर आई कैन से दिस इज कॉल्ड एज योर v का वैल्यू, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. नितीश, ये सारी कहानी थी आपकी, और हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला आपको मालूम है, u स्क्वायर अपॉन 2g वाला फॉर्मूला, ठीक है. हाइट निकालने बता दिया, फाइनल वेलोसिटी निकालने बता दिया, टाइम निकालने बता दिया, ये तीन फॉर्मूले याद रखने का काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलो अभी लिख लो बेटा, 33 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, कंटिन्यूस है ना, अभी मेरे को आराम. Yes, sir. चलो फर्स्ट पेज, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन सामने रखो, लिखता हो क्या? लेकिन फिर तुम लोग की बहुत मगजमारी रहती है, सर हुआ नहीं हुआ, एक बोलता हुआ एक बोलता नहीं हुआ. फर्स्ट पेज डन? यस सर डन. डायग्राम ढंग से बनाओ, आके पेज फाड़ दूंगा. अरे प्रियंका, अभी अभी कुछ खाएगी ना बेटा? नेक्स्ट जल्दी करो. नेक्स्ट नेक्स्ट सर जिंदा है बेटा, सर को काम आ रही है. डन. अरे पूजा किससे बात कर रही है? वो तो बाजू में जिससे बात कर रही है. हाँ तेको ही बोल रहा हूँ. पूजा अक्षय ग्रुप पे भेज देना ना फोटोस. सर वो मत बैठना अक्षय, क्या को भेजेगा अक्षय? तेको काम बंदा नहीं है क्या? अरे सर मेरे मत फोन में स्क्रीनशॉट नहीं होता है. हाँ तो फिर फोन बदली कर, दूसरा फोन ले. सर अभी टेम्पररी चल रहा है तो चलने दो ना. नहीं, 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 नहीं. अक्षय एक फोटो का 5 रुपया ले. हाँ बेटा. सर लास्ट टाइम इसको पेटीएम किया था, अब वापिस करना, और फिर हर लेक्चर में 1-1 रुपया बढ़ा, नेक्स्ट टाइम 6 रुपया कर देना. हाँ और सौरभ सर को मैसेज डाल, सर अभी सारे लेक्चर ऑनलाइन रखो, मेरे को पैसा कमाने मिल रहा है. चलो डन विद दिस. यस सर. अरे समीर सो के उठा लगता है. अरे सर 200 रुपए का पैंट लाए हो कि नहीं सर? अरे 70 रुपए मिल रहा है, ऑनलाइन जाना घाटा हो रहा है ना सबका, 70 रुपए में दे रहे, भाव कराएंगे तो 50 में जाता है. तो मंगाओ सर, पैसा दे देता हूँ गूगल पे. हाँ हाँ कर कर कर. कितना? 40 मंगाओ, 40-50. हाँ मंगा दो सर. हाँ बाजू वाले को ही पहनाया क्या? नहीं 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 सर, आपके बाजू वाले है ना. कहा था इतना टाइम से रे, और मैं वीडियो ऑन करने बोल रहा हूँ, समीर समीर कर रहा, जवाब भी नहीं दे रहा तू, इतना ऑनलाइन में आ गया. शुभम का नाम लिया आप, मेरा नाम कहाँ लिया? मैं तो कब से लेक्चर में ही हूँ. नेक्स्ट स्टार्टिंग से लेक्चर ध्यान दे रहा है क्या? हाँ हाँ दे रहा हूँ सर. हाँ जेई का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर जरा. चल सर. डन? यस सर. ओके नेक्स्ट पेज. ये सारे फॉर्मूले जरा याद रखो, डब्बे वाले पहले बता रहा हूँ. हाँ सर. इसी के ऊपर क्वेश्चन करने के अभी अपने को. चलो डन विद दिस. यस सर. चलो ये लास्ट था, अभी लिखते बैठो, मैं तुम लोग को 10 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी लिखते बैठो.
ठीक है चलो हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना मुझे।
अरे वाह बच्चा लोग सुनो, हेलो। हाँ सर। ये अपने को ये लिंक चेंज करनी पड़ेगी, कोई और लिंक पे अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो पूजा का नंबर मेरे पास है, आई कैन फॉरवर्ड द लिंक टू पूजा एज वेल एज सुलक्षणा मैम को। पूजा तेरे को इवनिंग बैच का वो है, किसी का नंबर है बेटा इवनिंग बैच का? सर नितिन के पास है इवनिंग बैच का ग्रुप का नंबर। अच्छा तो इवनिंग बैच वाले को भी कोई फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? मैं पूजा को सेंड करता हूँ, पूजा तो नितिन को सेंड कर दे, ठीक है? एक आईडी और पासवर्ड देता हूँ, उस पे ज्वाइन करो। ओके बेटा। हाँ सर। ओके बेटा जल्दी करो सेंड।